कैसे पावर स्टार जी वो अपने लिए ना पावर स्टार हम लोग अक्षरा सिंह का पेटारा खोलेंगे ज्योति सिंह का पेटारा खोलेंगे पवन भैया बोले हैं हमर मुंह खुल जाए जमीन खिसक जाए तो खुल जाए के चाहिए वो उनका खोले वो उनका खोले महिला खोलेंगे तो तो जुलुम हो जाएगा अक्षरा हो या ज्योति हो महिला है कहीं ना कहीं भाई एक सवाल ये भी उठता है कि पवन सिंह महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं डाउन है वो, कि वो जो चाहेंगे वही होगा इज्जत नहीं करेंगे पावर स्टार है वो आपके पावर स्टार होंगे अरे बच्चे लोग क्या सीखेंगे एक बीवी एक शादी किए छोड़ दिए उसको वो बम्बे में वो फ्लैट दे दिए ये कर दिए वो कर दिए वो पैसा के बल पे चाहेंगे तो किसी का इज्जत मतलब तार तार करते रहेंगे पवन सिंह मन से अगर किसी को कहते हैं कि भाई बोलो मत मेरे बारे में नहीं तो भाई हम इज्जत उतार देंगे तो लगता है कि महिलाओं को लेकर ऐसा बोलना चाहिए उनको चाहे वो ज्योति सिंह हो या फिर रक्षा सिंह हो इज्जत उतारने के ठेकेदार हैं वो कुत्ता का दिन फिरता तो आप तो इंसान है आ, हाँ, पार, पार, पार। 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 तो आ गया अब दोबारा आएगा क्या आ, बस भोक रहे हैं भोकने दीजिए उनको भोकने से कुछ नहीं होता ज्योति के साथ जो किए हैं ना वो सोचे की, की यूँ करते हैं यूं निकल जाते हैं तो इस बार ज्योति उनको सही रास्ता दिखाई है तिल का तार उससे उनका उसका कुछ होने वाला नहीं है वो भी बहुत शेरनी है बिहार की शेरनी है आ, पुरी से उस है उस जो है जो जब तो फिर जंगल से सारा गिदर भाग जाएगा महिला विकास मंच को अगर कोई धमकी देगा तो उसे महिला विकास मंच डरती भी नहीं है तो अगर अक्षरा सिंह के साथ उनके संबंध खराब हुए तो कहीं ना कहीं पवन सिंह ही इस चीज के जिम्मेदार होंगे पवन सिंह को नहीं देख रही हूँ क्योंकि वो महिलाओं की मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ उनके गलत गलत अफवाह वाले सब किस उरे हैं तो दूसरी पत्नी को भी तरह तरह से प्रताड़ित करें फिर तीसरी शादी करें फिर चौथी करें ऐसे करें भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच मामला कोर्ट में है बयानबाजी हो रही है विवाद बढ़ रहा आगे लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अक्षरा सिंह की न सिर्फ इंट्री होती है बल्कि पवन सिंह की तरफ से कहा जाता है कि जो लोग बोल रहे हैं अगर उनका एक एक चिट्ठा खोलना शुरू किए तो फिर नीचे की जमीन जो है वो खिसक जाएगी अब सवाल है कि आखिर चिट्ठा किसका खोला जाएगा महिलाओं की बात हो रही है मान सम्मान की बात हो रही है तो जानना जरूरी है महिला विकास मंच से मेरे साथ फाइमा जी हैं और प्रीति जी हैं महिलाओं की बात आप लोग करती हैं इंडस्ट्री की भोजपुरी इंडस्ट्री की कई जो लड़कियां हैं जो काम कर रही थी चाहे अक्षरा सिंह हो या फिर हम पवन सिंह की दूसरी पत्नी का ही क्यों ना जिक्र कर लें जो विवाद चल रहा है आप लोग भी अपना ओपिनियन दे रही हैं पवन सिंह कह रहे हैं कि एक एक करके सबका जो है वो चिट्ठा खोलेंगे ये लोग नंगा हो जाएंगे सड़क पर आ जाएंगे मतलब हम लोग का चिट्ठा खोलेंगे विरोध कर रहे हैं मतलब विरोध कर रहे हैं तो महिला विकास मंच का काला चिट्ठा खोलेंगे चिट्ठा खोलेंगे पवन सिंह उन लोगों के बारे में जो विरोध कर रहे हैं साथ ही साथ अक्षरा सिंह हैं फिर ज्योति सिंह हैं उनके साथ जो रहे हैं रही हैं रहे हैं उनके साथ जो उनकी कटोरी चम्मच जो उनके साथ जो खाए हैं उनके प्लेट में जो आ, हम सफर हैं वो सब जो उनके साथ चट्टे वट्टे हैं उनका खोल दें वो उनका खोले उनका खोले महिला खोलेंगे तो तो जुलुम हो जाएगा महिला छोड़ेगी नहीं हाँ वो मतलब वो बहुत उनका भूल है ये बात की महिला तो अक्षरा सिंह भी ज्योति सिंह की महिला है ये भाई तो उन लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ काम किया है और ये एक साथ रहा है एक साथ उन लोग अपना मूवी बनाया है मतलब स्टेट किया है शो किया है लोग जो भी किया तो उन लोग के साथ खुद हो सकता है कि एक दूसरे का कुछ होगा और और महिला का नाम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा और रही बात कि मैं अक्षरा हो या ज्योति हो महिला है कहीं ना कहीं भाई हम लोग महिलाएं सपोर्ट से तो खड़े होंगे एक सवाल ये भी उठता है कि पवन सिंह महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं महिला विकास मंच क्या चूँ महिलाओं की बात आप लोग करती हैं तो लड़ाई लड़ेंगे एकदम लड़ेंगे वो इज्जत नहीं करते इज्जत करना पड़ेगा उनको वो हमारे भारत में है भारत में महिला का इज्जत करना उनका धर्म है कैसे नहीं इज्जत करेंगे उनको मतलब उनको उनका चलता है क्या यहाँ डाउन है वो कि वो जो चाहेंगे वही होगा इज्जत नहीं करेंगे पावर स्टार है वो आपके पावर स्टार होंगे यहाँ भोजपुरी भोजपुरी आप कोई नहीं बूझता है कोई पावर स्टार नहीं मानती अरे कैसे पावर स्टार जी वो अपने लिए ना पावर स्टार हम लोग ये है ना लोग उनको प्यार प्यार से बोलता है अब प्यार से किसी को बहुत बड़ा मतलब जैसे अभी अमिताभ बच्चन को तो अमित अमिताभ बच्चन हमारा आपका रोजी रोटी नहीं नहीं चलाते हैं घर नहीं नहीं चलाते हैं एक उनको एक इज्जत के नज़र से देखते हैं अगर उनके पास बहुत पैसा है बहुत उनका शहरत है तो उनके लिए है और हमारा जनता जो है उनको बनाया है जनता उनका मूवी देखता है जन उनका मूवी पहले वो होता था क्या बोलते सुपर हाँ सुपर स्टार कहे जाने वाले थे तो लोग जनता ही बनाता है अगर नेता कोई है अगर वो जीतता है तो किसके बदौलत अपने बाल बच्चा घर के बदौलत रुपया के बदौलत कि जनता के जनता जिताता है उसको हाँ तो प्रीति जी जानना चाहेंगे महिला विकास मंच कैसे देखता है चूंकि कोई अगर स्टार हो पावर स्टार हो टेनिस स्टार हो मंच पर खड़े होकर महिलाओं के बारे में अगर कुछ बोलता है जो महिलाओं के हित में नहीं हो उनकी इज्जत प्रतिभा पर सवाल उठता है तो फिर क्या होना चाहिए देखिए जो सुपर स्टार होते हैं बहुत सारे बॉलीवुड में भी और हम लोग भोजपुरी में भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही सलीके से बोलते हैं महिलाओं की इज्जत करते हैं तो उस उस तरीके में तो मैं पवन सिंह को नहीं देख रही हूं क्योंकि वो महिलाओं की मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं अगर इज्जत करते तो आज खुद उनके घर की पत्नी इस तरीके का बात नहीं बोलती और अक्षरा सिंह के साथ हुआ पता नहीं बहुत सारे बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ उनके गलत गलत अफवाह वाले सब किस्से उड़े हैं तो ये वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं जबकि सुपर स्टार हैं भोजपुरी के हमारे बिहार से तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि महिलाओं की इज्जत करें वो कौन इज्जत नहीं करते महिलाओं की हाँ ऐसा लग तो लगता तो है कि बहुत सारी महिलाओं से अफेयर है ये सब से वो हम लोग लोग सुपरस्टार से सीखते हैं उनको फॉलो करते हैं तो हमारे जो बिहार के युवा हैं वो उनसे क्या सीखेंगे कि आप एक गर्लफ्रेंड को छोड़ दें फिर शादी करें फिर दूसरी पत्नी को भी तरह तरह से प्रताड़ित करें फिर तीसरी शादी करें फिर चौथी करें ऐसे करें ये क्या सिखाएंगे वो इसमें अक्षरा सिंह कीटी को कैसे देखते हैं चूंकि विवाद जो है पवन सिंह उनकी दूसरी पत्नी के भी चल रहा था अचानक अक्षरा किंटरी हो जाती है देखिए इसमें मैं ये बोलूँगी कि जो महिलाएं होती हैं वो आ, मुझे नहीं लगता कुछ महिलाओं को छोड़ करके बाकी महिलाएं इस आ, गलत नहीं होती हैं तो अगर अक्षरा सिंह के साथ उनके संबंध खराब हुए तो कहीं ना कहीं पवन सिंह ही इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे तो अब इसमें पवन सिंह के बारे में अब मैं क्या बोलूँ जब पवन सिंह मंच से अगर किसी को कहते हैं कि भाई बोलो मत मेरे बारे में नहीं तो भाई हम इज्जत उतार देंगे तो लगता है कि महिलाओं को लेकर ऐसा बोलना चाहिए उनको चाहे वो ज्योति सिंह हो या फिर अक्षा सिंह मतलब इज्जत तो उतारने के ठेकेदार हैं वो वो ठीका लिए हुए हैं क्या बिहार का और क्या बोलते हैं कि वो चाहेंगे तो किसी का इज्जत उतार देंगे चला गया वो जमाना पहले वाला कि डरते थे लोग अब नहीं डरते हैं कोई किसी से फर्श से फर्श पे आते देर नहीं लगती है फर्श पे आते वो देर नहीं लगता है और जो क्या बोलते हैं कि देखिए बुलवाइए मत हम बोल देंगे तो फिर आपको लोग कहेंगे कि नहीं बोली देंगे कि जब कुत्ता का दिन फिरता है तो आप तो इंसान हैं हाँ पवन सिंह का दिन अब नीचे आ रहा है हाँ तो आ गया अब दोबारा आएगा क्या बस भोंक रहे हैं भोंकने दीजिए उनको भोंकने से कुछ नहीं होता आ रहा ज्योति का ज्योति का मैं तो उनको ज्योति ही उनको सिखाएगी हाँ वो ज्योति जो है ना ज्योति उनको सिखाएगी ज्योति के साथ जो किए हैं ना वो सोचेगी यू करते हैं यूँ निकल जाते हैं तो इस बार ज्योति उनको सही रास्ता दिखाई है धार्तिक जो शेर हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला करो विरोध अच्छा वो खा जाएंगे और इतिहास गवाह है कि महिलाओं का अपमान करके कोई भी तरक्की नहीं कर पाया है पवन सिंह महिलाओं का अपमान करते, करते हैं हाँ बिल्कुल करते हैं एक कॉमन बात जो आरोप लगता है कि पवन सिंह लड़कियों के साथ खेलते हैं खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं वो तो जग जाहिर है वो तो छिपा हुआ नहीं है वो तो उनके यहाँ उनके साथ जो लड़की आती है उनके मतलब प्रलोभन में उस जो उनके बात में जो उन पे लोभाती है उसका होता है अक्षरा सिंह नहीं लोभाई तो आज गई इसीलिए बदनाम बदनाम हो रही है आर, आरक्षा, आरक्षा उसका कुछ होने वाला नहीं है वो जो जिसको जिसको वो बना दिए है ना तिल का तार उससे उनका उसका कुछ होने वाला नहीं है वो भी बहुत शेरनी है बिहार की शेरनी है सिंह हाँ पूरी से वो शेरनी है वो शेरनी जो है ना जब दहाड़ेगी ना तो फिर जंगल से सारा गिदर भाग जाएगा सोशल मीडिया पर विरोध भी कर रहे हैं, गाली भी देते हैं धमकी भी देते हैं अरे हम हर एक घर के पीछे दस गाली देते हैं तो इतना गाली आपको कहीं लिखाता है गाली सत्ता है गाली कहीं ना कहीं पवन भैया आप देख रहे हैं तो हमारी आवाज सुन लीजिए कि आप हमारे युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं बस गुमराह कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं अरे बच्चे लोग क्या सीखेंगे एक बीवी एक शादी किए छोड़ दिए उसको वो बम्बे में वो फ्लैट दे दिए ये कर दिए वो कर दिए वो पैसा के बल पे चाहेंगे तो किसी का इज्जत मतलब तार तार करते रहेंगे क्या इज्जत तार तार करने का ठेकेदार है एक बात हम लोग जानते हैं कि दो शादी किए हैं लेकिन अब चर्चा तीसरी शादी को लेकर होने लगी कि भाई तीसरी को भी उन्हें फ्लैट दे कर सकते देखिए भाई ऐसे जग जाहिर है कि दो तीन का तो मतलब ऐसे चल रहा है बाकी उनका जब जब से उनका जो क्या बताया जाए बहुत है उनकी उनका मतलब उनका गिनती किया जाए तो कम पड़ जाएगा वैसा है क्या हाँ 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 आपको लक्षण नहीं दिखता है चलिए सुपर स्टार वो अपने लिए हैं जो अब के लिए थोड़ी है हैं महिला विकास मंच एक अंतिम सवाल है आप लोग आप लोग महिलाओं की बात करते हैं धमकियाँ भी आती होंगी पवन सिंह प्रकरण में खूब आप लोगों ने बयानबाजी की कभी धमकी धमकी मिला क्या देखिए बयानबाजी महिला विकास मंच नहीं करती है महिला विकास मंच को अगर कोई धमकी देगा तो उससे महिला विकास मंच डरती भी नहीं है रहा बात कि आप महिला का बात करें हम लोग पुरुष का भी सुनते हैं पुरुष अगर आप भी आइएगा आप भी प्रताड़ित है तो आपका भी सुनते हैं पवन भैया भी आएंगे उनका भी सुनेंगे

जिस प्रकार से पवन सिंह खुले मन से दहाड़ते नजर आ रहा है कि भाई जो भी विरोध कर रहा है और जो लोग बोल रहे हैं बयानबाजी कर रहे हैं नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। पवन भैया बोले हैं कि मैं हमर मुंह खुल जाए तो मैं जमीन खिसक जाए तो खुल जाए के चाहिए हम लोग भी इंतजार रहे है कि कौन ऐसा भाई पेटारा है कि भाई वो पेटारा जो है वो खुल जाना चाहिए हाँ कि अक्षरा सिंह का पेटारा खोलेंगे ज्योति सिंह का पेटारा खोलेंगे

जिसको नंगा करने की बात कर रहे हैं वो कर दीजिए लोग भी देख ले महिला विकास मंच भी इसी बात का इंतजार कर रही है स्वयोग जय के साथ बिरजू सिंह पटना